हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्थाज किचन। आज हम बनाने वाले हैं अलग की क्रिस्पी करारी पूरियाँ। सोच लिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पालक को अच्छी तरह से धोएंगे 4 से 5 बार। इसके बाद इसके हार्ड पार्ट को काट कर अलग कर देंगे और पालक की पत्तियों को हम 1 कप पानी गर्म करके उसमें डाल देंगे। और 1-2 बॉयल आने के बाद पत्तियों को पानी से निकाल कर ठंडा कर देंगे। जब तक पालक ठंडी हो रही है, हम उसके पेस्ट में डालने वाले इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हम हरी धनिया पत्ती, हरी मिर्च 3 से 4, अदरक का टुकड़ा 1 इंच, लहसुन की कलियां 6 से 7, पालक और सौंफ 1/2 चम्मच। सबको मिक्सर में डालकर हम पेस्ट बना लेंगे। पालक का पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 2 कप गेहूं का आटा, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग, 1/2 चम्मच नमक, 3 चम्मच बेसन चना का, 2 चम्मच देसी घी, 1/2 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स ले लिया है। और अब इनमें पालक का पेस्ट डालकर हम अच्छे से गूंथेंगे। पेस्ट को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, नहीं तो आटा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे पूड़ियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं पालक में आयरन, विटामिन A, B, C, E, K1, फोलिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा-3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में होता है। पालक फोलेट के लेवल को बढ़ाती है, जिससे यह पुरुषों में स्पर्म काउंट और प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में लाभप्रद है। पालक में मौजूद आयरन शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह फ्लो को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। पालक इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता ही है, साथ ही इससे बाल भी काफ़ी अच्छे होते हैं। क्योंकि हमें पूरियों के लिए डो तैयार करना है, इसलिए इसे हम थोड़ा सख्त रखेंगे। हमारा डो तैयार है, हम इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, जिससे कि यह अच्छे से सेट हो जाए। 10 मिनट बाद हम डो से छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे और इन्हें चपटा करके बेल लेंगे। एक एक करके सारी पूरियों को हम बेल कर रेडी कर लेंगे। अब पैन या कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे। पूरियों को ऑयल में डालने से पहले ये श्योर कर लें कि ऑयल अच्छे से गरम है।
पूरियों को हम मीडियम हाई फ्लेम पर तलेंगे। फ्लेम को एकदम हाई नहीं रखेंगे, नहीं तो पूरियां जल जाएंगी, और ना ही लो रखेंगे। फ्लेम को लो रखने पर भी पूरियां अच्छे से खिलेंगी नहीं, इसलिए पूरियां जब भी तलें मीडियम हाई फ्लेम पर ही तलें, और ये देख लें कि ऑयल अच्छी तरह से गर्म है। आप देख सकती हैं पूरियां अच्छे से खिल रही हैं, जबकि मैंने इसमें साबुत जीरा अजवाइन भी डाला है। एक एक करके सारी पूरियां तल लेंगे। इसे आप किसी भी सब्जी या चटनी के साथ सर्व कर सकती हैं। वैसे यह पूरी अपने आप में पूरी है, बच्चों को भी बेहद पसंद आती है। ट्राई ज़रूर करें, आपको भी पसंद आएगी।